ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਸਿਰ ਭੋਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आएगी ना क्यों नहीं आएगी मोबाइल नंबर बहुत प्रॉपर हो अपना एड्रेस भी गलत हो तो मोबाइल नंबर से उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं ये काम है ठीक है पहला आपका 6 नंबर में उसको दिखा बाहर का है उसको सिम्टम हो या नहीं हो उसकी आपको उसमें एंट्री ले दी अभी तक हमारे यहाँ 5 पॉजिटिव केसेस आए हैं वो एक ही परिवार के हैं उसके बाद अभी तक कोई पॉजिटिव केस रिपोर्टेड नहीं है हमने अभी तक 274 के आसपास में सैंपल्स ले लिए थे वो सब 5 के अलावा नेगेटिव हैं साथ ही जो कर्फ्यू क्षेत्र है उसके अंदर हमारी जो टीम्स हैं जिसके अंदर नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं आशा सहयोगिनीज हैं और हमारे नर्सिंग ट्यूटर्स हैं ANMs हैं इन सब के एक टीम को हमने उनके ऊपर 10 टीम उसके ऊपर एक डॉक्टर लगा रखा है जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं स्क्रीनिंग का कार्य कर रहे हैं इसमें अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो हमारा डॉक्टर फिर वापस जाके चेक करता है LI का अगर महिला इनलेस है तो ठीक अदरवाइज और हमारी टीम से उसको रिविजिट करके उसमें पूरा कार्य देखा जा रहा है साथ ही हमारे ज़िले के मंत्री महोदय जो कि काफ़ी सजग है वो भी हमसे डोर टू डेली इसके बारे में रिपोर्टिंग लेते हैं पूरी उनकी सजगता है पूरी एक एक मिनट्स की खबर वो रखते हैं और उनके जो बार बार हमें निर्देश मिलते हैं उसके अनुपालना के अंदर जो भी हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं हम कार्य उनके नियमानुसार उनके कहे अनुसार कर रहे हैं और क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का गृह जिला भी है और उनका विकास फोकस भी है तो इसलिए संसाधनों की कोई कमी हमारे ज़िले में नहीं है क्योंकि हमारे मंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हीं की इस कारण से हम काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा कार्य करने में सफल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम और सजगता से कार्य करेगी और आपकी मीडिया के माध्यम से उन्हें आह्वान करना चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अगर हम पूरा ढंग से करें लॉकडाउन की जो हमारी नियम है उसको हम पूरा पालना करें ये कोई पाबंदी नहीं है ये जनहित के लिए लोग सोचते हैं बंद कर दिया गया उन्हें बंद नहीं किया गया ये एक अभी की मांग है समय की जो उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए समाज के स्वास्थ्य के और सबके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है उसके बाद में जो 21 दिन का लॉकडाउन था अब कम सीमा रह गई है तो क्या सख्ती तेज होगी अब देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना जिला कलेक्टर बता पाएगा